आपका माल लोड करता हूँ, अगर माल नहीं है तो उसी समय लोड करेगा। मतलब 4 तारीख भी पूरा लोडिंग में गया, 4 तारीख शाम को चेंबर में गैस डलेगी, 5, 6, 7 कम से कम 8, 7 से 8 तारीख तक, 3 से 4 दिन तक वो चेंबर सील पैक रहेगा 15 डिग्री टेम्परेचर पे, वो पकाने के लिए कि केला पक जाए। कटने से लेकर चेंबर का जो दरवाजा खुला पकने के बाद उसको हो गया दिन 8 दिन। अब 8वें दिन जो ठेला लेके आया है वो चेंबर पे माल लेने के लिए, तो पूरा पीला कलर होकर नहीं पकता, जब चेंबर का दरवाजा खुलता है तो पीला होना चालू होता है। जैसे बाहर आके ठेले पे रखेगा, उसको पानी से धोएगा तो फिर पीला होना चालू होगा, थोड़ा बहुत 2 घंटे में पकेगा, फिर दोपहर तक पकेगा, फिर थोड़ा शाम तक पकेगा, थोड़ा कल पकेगा। ठेले वाले ने 100 दर्जन लेकर के अपने ठेले पे रखी, अब वो ठेला आज कुछ बिका, कुछ कल बिका, कुछ परसों तक खत्म होगा, ऐसे ही होता है ठेले का, लगभग 2 से 3 दिन। 1 तारीख से 8 तारीख तक चेंबर और 3 दिन ठेले पे, 11 दिन। अब हमारी दराती लग गई थी 1 तारीख को, और 11वें दिन उस ठेले पर माल की कंडीशन क्या है वो डिपेंड करेगी आपके माल का रेट अगली गाड़ी का क्या रहेगा। साइंस समझ में आ रहा है ना? अब ठेले वाला क्या होगा, जब वो गली कुचे में जाता है ऐसे ठेले को लेकर के, तो ठेला हिलता भी है, तो जो केला रखा हुआ रहता है वो रगड़ भी करता है एक दर्जन दूसरी दर्जन से। अब जितने भी उत्तर भारत के शहर है वो सीमेंट के जंगल है, कोई हरियाली तो है नहीं, यहां जितना टेम्परेचर है इससे ज्यादा वहां रहता है दोपहर में। बर्फीले पहाड़ पास में तो रात में तो ठंड है, लेकिन दिन में सीमेंट के जंगल है तो गर्म बहुत रहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, गीला कपड़ा रखना पड़ेगा, गीला टाट रखना पड़ेगा कि केला जल्दी सिंक ना हो, ये उसकी मजबूरी है। तो गीला कपड़ा रखा और जहां पर रगड़ आ गई वहां पर काले काले धब्बे हैं। अब गीला कपड़ा रखने से काले धब्बों में क्या सफेद फंगस आना चालू हो गई, ये तकलीफ है उस केले के ठेले वाले की, कि जो वो केला बेच रहा है उसने आज लिया और कल से वो झड़ना चालू हो गया, और यहां से अगर टूटना चालू हो गया तो उसका बिकेगा नहीं। जो खरीदार है वो देख करके लेंगे कि काला फंगस वाला ना हो, पीला शाइनिंग हल्दी पीला कलर हो, केले की लंबाई हो, ये बाद में, पहले दिखेगा कैसे वो फिर लंबाई, तो दिखने से पता चलता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, तो हल्दी पीला कलर होना चाहिए तो उसका जल्दी बिकेगा। अब 3रे दिन अगर उसके पास ठेले में 10% से ज्यादा माल खराब बच गया, सपोज करो 10% से ज्यादा माल बच गया, उसने 1000 रुपए का माल लिया और उसके पास 200 रुपए का माल बचा है जो खराब हो गया, उसको फेंकना है जो बिका नहीं, तो वापस जाके क्या करेगा चेंबर पे, वो जो चेंबर के बाहर हेम्मा रहते हैं जो कैरेट उठा के चेंबर में रखते हैं उनसे पूछेगा कि भैया वो 1 तारीख को जो माल आया 17:44 वो कहाँ से आया। उसने बोला कि महाराष्ट्र से आया, तो महाराष्ट्र में कुछ पता है कहाँ से आया, उसने बोल दिया जलगांव जिले से पिलखेड़ से आया, कौन सा गांव है, कोरपावले से आया, भाई पता तो चलता है ना वहां पर जो बिल्टी आती है, भाई जलगांव महाराष्ट्र कोरपावले से आया है, गोविंद सेठ ने भेजा है, तो वो सीधा जाएगा चेंबर में और उस चेंबर वाले को क्या बोलेगा ठेले वाला, भैया जलगांव का जो माल आए कोरपावले का वो माल मुझे नहीं चाहिए, अभी तू चल मेरे साथ बाहर ठेले पे, 20% माल मेरा खराब है, अब मैं तेरा पैसा कैसे दूं, वो जल्दी टूट रहा है, जल्दी फंगस आ रही है, उसको उठाओ नहीं है, पब्लिक उसमें काला धब्बा देख के लेती नहीं है। अब वो जो चेंबर पे बैठा है वेद प्रकाश जाट, वो कहाँ फोन लगाएगा, गोविंद सेठ को, गोविंद सेठ वो 1 तारीख को जो गाड़ी आई 17:44 कहाँ से थी, कोरपावले से थी, उस्मान भाई ने भरी थी ना, उस्मान भाई को हिंदी में बोलना, भैया वो बगीचे का माल मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो पैसा टूट रहा है, मैं तुम्हारा पैसा दूंगा नहीं। ऐसा होता है हमारे चेंबर है, हमको पता है ऐसा ही होता है, वहां से फोन ऐसे ही आते हैं, जिसका माल बिका बोलेंगे जल्दी माल चाहिए, जिसका माल नहीं बिका इस बगीचे का माल नहीं चाहिए। अब आपके पास 8 से 10 दिन बाद वापस माल कटिंग पे आ गया 12 दिन में,
और इधर 12 दिन में 10 दिन में ठेले वाले ने इंक्वायरी दे दी, मेरे पास माल नहीं बिक रहा है। अभी आपने उस्मान भाई को फोन लगाया कि भैया माल कटिंग पे आ गया, आप देखने नहीं आए, और उस समय अगर भाई ने बोला आपको कि भैया मैं मार्केट में हूँ, जरा आधे घंटे बाद फोन लगाता हूँ, मतलब आप समझ जाओ आपके माल की वक्त नहीं है। आपने जिस आपकी गाड़ी जिसने भरी, आपने उसको फोन किया है और वो बोल रहा है भैया मैं बाजार में हूँ, 1 घंटे बाद बात करता हूँ, मतलब आपके माल की कोई वक्त नहीं है। इनडायरेक्टली समझ जाओ, मन के मन में छेड़खानी करना बंद करो, दूसरा व्यापारी ढूंढो, नहीं तो ये रेट कम देगा। छोटा सा सूत्र है, अगर आपके माल में जान है और वहां से रिटर्न आ गया, उस ठेले वाले का माल बिक गया, उसका 5% केला खराब नहीं हुआ, तो वो क्या बोलेगा, गाड़ी कहां से आई, उस जगह की गाड़ी आए तो मुझे फोन करके बोला मैं माल उठाऊंगा 10 पैसे ज्यादा लेंगे। किसने बोला, ठेले वाले ने इंक्वायरी दी चेंबर वाले को, चेंबर वाले ने गोविंद सेठ को, कौन सा मल्ला था, पूरा मल्ला ले ले 10 पैसे ज्यादा में ले ले, हमको उसी मल्ले का माल चाहिए। साइंस है, जिसको 10 पैसा मिलेगा वो काम करेगा, जिसको नहीं मिलता वो काम नहीं करता। हमें ऐसा लगता है कि व्यापारियों की मिली भगत है। इसमें थोड़ा सा सुधार हमें करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा वो बतलाता हूं। हमें माल ऐसा बनाना चाहिए कि जो व्यापारी गाड़ी काट के ले गया, हमारा नई कटिंग आए उसके पहले उसका फोन आ जाए, भैया तो 12 तारीख को तुम्हारा माल कटेगा, मेरा आदमी देख के आ गया है, 2 दिन बाद अभी 300 बंच कटेंगे, किसी से सौदा मत करना, मैं रेट भर रहा हूँ, 2 दिन बाद गाड़ी लगाऊंगा। अगर ये सलीम भाई ने बोल दिया, मतलब आपका माल ओके। तो हमें माल ऐसा बनाना पड़ेगा जो घर आकर के जेब में पैसे डाल करके ले जाए। इसकी रेसिपी है, बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं, और इसमें पैसा खर्चा ज्यादा होगा या कम होगा ऐसा कुछ भी नहीं, साइंस है, विज्ञान है। पौधे को जो चाहिए वो देंगे तो पौधा उस ठेले वाले को जो चाहिए वो देगा, ये दोनों लिंकिंग है। समझ में आ रहा है, मेरा काम करने का तरीका उल्टा है, मैं जाता हूं व्यापारी के पास, उसको क्या चाहिए वो हम खेत में बनाएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया, माल कैसे बनेगा तो पैसा बनेगा। इसका पूरा निचोड़ निकल के आता है क्लाइमेट कंट्रोल, पौधे की जो मॉर्फोलॉजी है। किसान क्या कर रहा है, अभी तक जो मैंने समझा है, किसान के पास उतना ज्ञान आया है जितना आपके क्षेत्र में लोगों ने आपको प्रोडक्ट बेचने में, पौधे बेचने में ज्ञान दिया है, बराबर है। जिसका पौधा आपके गांव में बिकने को आया, उसने जो गाइडलाइन दी हमने वो फॉलो करी, जो खाद बीज दवाई हमारे गांव में बिकने को आई, उस एग्रोनॉमिस्ट ने जो गाइडलाइन दी हमने वो फॉलो करी। इतना ज्ञान हमारे सबके पास है या इससे ज्यादा है, लगभग इतना ही है, क्योंकि हम तो कोई एग्रोनॉमिस्ट की पढ़ाई किया नहीं है हमने, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है वो हमें मेरे जैसे और भी पाठशालाएं लेते होंगे जो प्रोडक्ट बेचने आते हैं। मैं कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूं, ना मेरा कोई विज्ञापन है, ठीक है। तो हम अगर ऐसे आदमी से ज्ञान ले रहे हैं जो कुछ बेच नहीं रहा है, तो आपके पास 100 बात आएगी। अगर मैं ये कहूं, जैसे मेरी रेवा टिश्यू कल्चर लैब है और मैं अभी किसान पाठशाला को छोड़ करके रेवा का विज्ञापन दूं, तो आपको मैं क्या बताऊंगा, रेवा की खासियत, रेवा पौधा कितना अच्छा, कैसे मिलेगा, क्या रेट आएगा, उसकी खूबियां, उसके अलावा मुझे कुछ दिखेगा नहीं। अभी मैंने रेवा को कर दिया गेट से बाहर, रेवा डिलीट, मैं बैठा हूं किसान पाठशाला को लेकर के, तो मैं अभी उस चीज पे बात करूंगा कि केले को क्या चाहिए। केले को चाहिए उस ओरे पे हमें काम करना, तो ठेले वाले को जो चाहिए वो केला दे देगा। अभी इसमें 2-3 चीजें हैं, आपके क्षेत्र में ग्राफ क्या लगाते हैं, लाइन से लाइन, पौधे से पौधा, पिछले साल थे, अभी 25,000 लगाए थे, एक प्लॉट, और अभी
वापस आ गए रिवर्स साइंस आपके गांव में बैठा है नजर डालना चालू करो पर के भने वो 30-32-28 के लिए थे पर हाँ बिल्कुल रहेंगे क्या होता है मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ 5x5 से लगा करके 5x6 तो अभी कुछ सालों में आए जो जलगांव जिला है 4x5 4.5x5 या 5x5 इसके आगे गया ही नहीं 2000 से 1750 पौधे के बीच में 1996 से लेकर के 1750 पौधे 5x5 इसके ऊपर जाना ही नहीं देखा इसके पहले साइंस क्या चल रहा था जो टिश्यू कल्चर कंपनी है उसको पौधा बेचना है लगातार बेचना है हर साल बेचना है तो ग्राफ क्या बताया 5x5 ज्यादा पौधा लगे एक ही बार ले सको दूसरी बार लेते आए नहीं तीसरी बार नया पौधा खरीदो ये साइंस है केले के पौधे बेचने वालों का ये साइंस है कि आपको अगर बेस्ट दिखाया तो आप रटून पील सेकंड लेना सीख जाओगे पील कितने ले रहे हैं यहाँ पर सब ले रहे कितना एक दो तीन दो, 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 एक फर्स्ट और सेकंड उसके बाद बाहर पहले से सेकंड का रेट वैसा ही मिलता है या कम ज्यादा बहुत कटौती हो जाता है पील में कटौती होगा अगर पहला 10 रुपए है तो पील 5 से 7 रुपए एक्चुअल में हो क्या रहा है जैसे हम पील लेना अगर परफेक्ट सीख गए तो फर्स्ट और पील में कोई फर्क नहीं आता लेकिन प्रैक्टिस और तरीका हमारा कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क है क्या नहीं इसका एक साइंस है हम जहां हैं यहाँ 6x6 कुछ हद तक ठीक है सही जो है 5x7 हम जिस क्षेत्र में है आगे से पहाड़ कुछ आ गए हैं गर्मी बढ़ जाती है अप्रैल और मई में 40 से 47 के बीच में जाता है ना हमारे बड़वानी में वैसा ही 47 डिग्री तो खेत के अंदर गर्म हवा और ठंडी हवा नहीं घुसना चाहिए ग्राफ हमारा कैसा होना चाहिए ठंडी हवा गर्म हवा खेत के अंदर न घुसे और पौधे के जितने पत्ते हैं उनको सूर्य की रोशनी पूरी पूरी प्रॉपर मिले पौधे के पत्तों को सूर्य की रोशनी पूरी मिले तो केले का जो साइंस है उसको 35 से 36 स्क्वायर फीट जगह चाहिए सराउंड में जब वो बड़ा पत्ता देता है तो 1 मीटर से 2 मीटर के बीच में देता है 1.5 मीटर 2 मीटर का एक पत्ता देता है तो 1 मीटर से ऊपर मतलब 3-3.5 फीट का पत्ता ज्यादा से ज्यादा 6 फीट का पत्ता एक बेड सीट के बराबर जो अच्छी फील्ड है वो 6 फीट का पत्ता आएगा जब बंच आना रहेगा उस समय अगर हमारा ग्राफ 5x5 है सराउंड तो इस पौधे ने जो पत्ता दिया जब फ्लावर आते समय पत्ता दिया आखिरी के पत्ते जो आएंगे 5 वो 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच के आएंगे तो ये पत्ता जहां गया उसके ऊपर दूसरे पौधे का पत्ता आ जाएगा ओवरलैपिंग हो जाएगा एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता ऐसा होता है और खेत के अंदर अंधेरा हो जाएगा अंदर खेत के अंदर पैक हो जाएगा तो जब फ्लावर आती है तो छांव में जितने पत्ते रहते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं छांव वाले पत्ते तो जिन भी पत्तों के ऊपर ओवरलैपिंग है वो पत्ते ड्रॉप हो जाएंगे जो धूप ले रहा है वो पत्ता बचेगा कंधे और सिर कान तक के पत्ते ड्रॉप हो जाएंगे जब 5x5 में 5x6 में फ्लावर आएगा क्योंकि अंदर धूप और हवा सफोकेशन नहीं है धूप नहीं है तो छांव वाले पत्ते ड्रॉप होंगे निश्चित है तो पत्ते जब ड्रॉप हो रहे हैं फ्लावर आते समय उस समय उसे सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता है कि वो बंच में डाले और पत्ते हैं नहीं जो फोटोसिंथेसिस से कंपोस्ट करे और नीचे से न्यूट्रिशन अपटेक करे उसके लिए पत्ते हो गए कम तो आपके केले में क्वालिटी होगी कम उसका कलर शाइनिंग कम होगा और लंबी दूर ट्रेवल करने के लिए केला सक्सेस नहीं होगा मैंने आपको बात बताई उत्तर भारत की उत्तर भारत में जब हम यहां से कटिंग करके 1200 किलोमीटर भेज रहे हैं तो उसको 12 दिन लग रहे हैं खाने वाले के टेबल पे जाने तक तो जब हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो उसे 40 दिन लगते हैं 32 दिन के ऊपर लगते हैं तो
तो फिर हम तो सोच ही नहीं सकते कि हमारे गांव से कभी एक्सपोर्ट भी होगा। हमें केला बनाना चाहिए एक्सपोर्ट पैटर्न का और बेचना चाहिए भारत में, तो उसका रेट बनता ज्यादा। एक्सपोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्वालिटी बनाओ एक्सपोर्ट की, ताकि 50 व्यापारी टूट पड़े। इस गांव में केला अच्छा बनता है और बिके भारत में ही, क्योंकि भारत में आप 14 आने से मोटा बेच सकते हो, 14.5 15 आने बिक सकता है। एक्सपोर्ट वाला 14 आने लेके जाएगा 45 कैलिबर, आपका वजन कम जाएगा। यहाँ भी साइंस है। एक्सपोर्ट वाले को लेके आओ, केवल लॉलीपॉप दिखाओ, भैया गोविंद सेठ से 200 रुपए आन देगा तो आपको देंगे, क्योंकि आप पतला काटोगे। 100 के लिए बैठा लेंगे, है ना, 100 के लिए का बेटी नहीं, हाँ 80 के लिए नहीं चलता उसको, 80 के लिए नहीं चलता उसको। हमें 70 केले वाला केला बेचना है, 80 वाला बेचना है, मोटा करके बेचना है, तो वजन आएगा। तो क्वालिटी बनाना है एक्सपोर्ट की, बेचना है डोमेस्टिक में। भारत जो है ना, ये बहुत बड़ा हब है केले खाने में। पूरे विश्व का 67-70% केले का प्रोडक्शन भारत में है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, ये छोटे छोटे देश के जैसे हैं। फिलीपींस और ये जो ईरान और ये ना, ये जितना बड़ा देश है इतना बड़ा यहाँ का प्रदेश है। इतनी जनसंख्या तो हमारी दिल्ली में है, कितनी जनसंख्या होगी। हमारा इंदौर छोटा सा है, 50 लाख पॉपुलेशन है, अभी महानगर बनेगा वो, उसकी जनसंख्या 50 लाख है इंदौर की। तो यही के खाने वाले बहुत सारे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन की कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बनाओ खपत हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करना है उसकी खपत होगी। क्वालिटी मेंटेन का पहला रेसिपी आएगा 5x7, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, झिकझिक। इसका कारण है, जब अप्रैल और मई में गर्म हवा अंदर घुसेगी तो ये जो झिकझिक है ये 3.5 हो जाएगा, 7 के बीच में पौधा आ गया। अरे समझ में, पौधे से पौधा 7 कारण, क्योंकि इस बार है ना 4 है ना, 4 लगाई है, 4 खेतों में लगे हुए, सभी प्लॉट फेल गए। कैसा लगाया था झिकझिक पौधे नहीं, ग्राफ और बताओ ना, लाइन से लाइन पौधे से पौधा अंदर की वो 5.5x1 पर 5.5 पे ड्रिप, पौधे से पौधा 6 ऐसा था झिकझिक। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि अब जनन के तौर पर होना चाहिए, होगी अभी तक कि उसकी हाइट ही नहीं हो पाई, तो जनन कहाँ से होने वाली है। तो झिकझिक से हाइट का क्या ताल्लुक है? नहीं नहीं भैया, किसान से हाइट का ताल्लुक है ना, कैसे चलाया भैया, बात हो रही है प्लांटेशन का टाइम है। नहीं नहीं वही सेम है ना, सेम उसके साथ में दूसरे जगह। कौन सा टाइम मतलब लगाने का टाइम, जून या जुलाई? जून में नहीं, जून में लगाया और अभी तक वो निस्वाड़ होना था तो चल नहीं पाया। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं आपको दोनों का साइंस बताता हूँ, फिर आपने मुझे जवाब देना क्या हुआ। अगर आपने आमने सामने लगाया है, ये चौकड़ी हो गई 5x5, ये आमने सामने नहीं है सर। नहीं नहीं मैं समझा रहा हूँ, दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, 5x5 ये चौकड़ी हो गई, आमने सामने हो गया, 5 इधर भी 5 इधर भी, ठीक है। और झिकझिक में क्या हुआ, खसक गया, क्रॉस हो गया, है ना, उसमें आमने सामने नहीं, तिरछा है। तो 5x5 में झिकझिक कर नहीं सकते हो, 5x6 में झिकझिक होता नहीं, वो दिखता भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ 5x7, मैंने 2.5 गुना कर दिया दूरी आपकी, एक तरफ हो गई ड्रिप 5, दूसरी तरफ पौधा हो गया 7, लंबा हो गया, स्पान हो गया, दूरी हो गई। अब आपको अगला पौधा यहाँ लगाना है, इधर साइंस समझना है। आपने 5x5 में झिकझिक किया तो वो उतना दिखेगा भी नहीं, उतना होगा भी नहीं, और उसमें आवश्यकता भी नहीं है, उसमें फेल जाने की चांसेस है। मैंने बोला 5 पे लाइन, पौधे से पौधा झिकझिक 7 पे, तो इस पौधे से अगर हम नापेंगे, यहां से अगला पौधा 7 है, अगला पौधा अगर आता तो 5 आता, लेकिन झिकझिक हो गया तो 10 आ गया। इस पौधे से तिरछा नापेंगे, ये जो सामने लगना था ये तिरछा हो गया, तो ये 6.5 नकती में आएगा। आप अगर टेप लगा के नापोगे तो 6.5 आएगा। इसका केवल एक ही कारण है कि जो सेंटर पौधा है, इससे कोई भी पौधा 6 फीट के अंदर नहीं है, 6 फीट से बाहर है। अब ये जो पत्ता देगा, इसके जितने पत्ते आएंगे वो यूनिवर्सल फॉर्म में आएंगे, एकदम अपोजिट में आएंगे। एक पत्ता आया, दूसरा पत्ता पूरा जगह लेगा, तीसरा पत्ता पूरी जगह लेगा, चौथा पूरी जगह, सराउंड में पत्ते आएंगे, पूरे राउंड में आएंगे, ऊपर से धूप पूरी आएगी, ऊपर से जो धूप आना है वो पूरी आएगी, लेकिन गर्म हवा और ठंडी हवा अंदर नहीं घुसेगी, क्योंकि इधर 5 है
और यहाँ पर 5 है, तो इसका पत्ता इधर आ गया, इसका पत्ता यहाँ आ गया, तो ये ओवरलैपिंग नहीं हुआ, आगे पीछे हुआ। तो गर्म हवा ठंडी हवा घुसने में रुकेगी, एक इधर से 7 है तो इधर से अगला पौधा 3.5 पे आ गया, ये दो पौधे हैं इसके बीच में 3.5 है, तो यहां से गर्म हवा ठंडी हवा नहीं घुसेगी, ठीक है। इसके अलावा इस 5x7 का कोई रीजन नहीं है, केवल गर्म हवा ठंडी हवा अंदर ना घुसे और सूर्य की रोशनी को हम हर पत्ते के कोने तक पहुंचा दें, ऊपर से पौधा सराउंड में रहे, इसलिए ये ग्राफ चाहिए। अगर इसको मैं चेंज करता हूं 5x5 5x6 बराबर में लगाता हूं तो ओवरलैपिंग होगा। पौधा लगाना ग्राफ आगे पीछे लेने से नुकसान हमें दिख सकता है फ्लावर आने के बाद, क्योंकि उसकी वयस्कता उम्र जो हुई है वो 6 महीने के बाद पत्ते ऊपर देना चालू होगा, तो हम 5 से 6 महीने बाद बोल सकते हैं कि हमारा प्लांट फेल गया है, ठीक है। पौधा लगाने से अभी तक उसकी हाइट नहीं बढ़ी, इससे ग्राफ का कोई रिलेशन नहीं, हाइट नहीं बढ़ना ग्राफ का क्या रिलेशन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इससे रिलेशन है ही नहीं, हाइट बढ़ने से ग्राफ का कोई रिलेशन नहीं। सर बात नहीं है, जैसे कि ना भी है ना, हम 5.5x5 को लगाते हैं, इसमें ना ट्रैक्टर चला लेते हैं, मजदूर चला लेते हैं, उसमें ना तन का लेवल, ये ना उसमें तन ही ज्यादा होता रहा। आप दूसरी बात बोलो कि हमसे खरपतवार नहीं निकला इसलिए हाइट नहीं बढ़ी, नहीं नहीं, तो उसका मैं इलाज बताता हूँ, ठीक है। उसका इलाज है, मशागत होती है जब, तो जड़ों के पास हवा जाती है तो पौधा चलता है, इससे हाइट का रिलेशन है। जड़ों के पास जब हवा जाएगी, पानी हवा और भोजन तीनों जड़ों के पास बराबर रहेगा तो वो स्वस्थ चलेगा। आपका 5x7 झिकझेक में एक तरफ आपने जड़ें निकाल दी, दूसरी तरफ नहीं निकली, तो आपका लॉजिक वहां जा रहा है कि हमारे यहाँ हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है, सही पकड़ रहा हूं है ना। इसका मैं विकल्प बताता हूं क्या, ये अच्छे से और हो सकता है 5x7 में जो मैं करवाता हूं, आपके प्रश्न का जवाब भी आएगा और निंदाई गुड़ाई भी हम कर लेंगे। अभी तक हम जो लगा रहे हैं, एक ड्रिप डाली और एक बेड बनाया, ठीक है, ऐसा ही कर रहे हैं, एक ड्रिप एक बेड। अब ये बेड बना, इसके ऊपर पौधा लगा और यहां पर ड्रिप है, ऐसा हो रहा है। अब ये पौधा मोटा हो रहा है उम्र के साथ, बेड हमारा वही है, पौधा मोटा हो रहा है, ड्रिप फिसल के नीचे आखिरी में नीचे, जब बंच आएगा, जब हमारी ड्रिप नीचे रहती है नीचे, यहां पर आपको दिमाग लड़ाने की आवश्यकता है, आपके तन पे भी आऊंगा मैं, यहां पर दिमाग लड़ाने की क्या आवश्यकता है, जब हमने पौधा लगाया बेड पे, उसका रूट का डिजाइन स्ट्रक्चर कहां पर है, उस मिट्टी में, पूरे खेत में हमने मशागत करी और ऊपर की 6 इंच मिट्टी समेट के बेड बना लिया, उर्वरक भूमि जहां पर हमने गोबर डाला है, जहां यूरिया डीएपी डाला है, उसमें बेड बना लिया, और जब उसको पीक पीरियड में आवश्यकता है, जब हमारी ड्रिप नीचे, तो जिस तरफ नीचे गई इस तरफ पूरा क्रैक, मूली काली, भोजन लेना बंद, तो ये जो डेवलपमेंट था इसका इस तरफ वो स्टॉप। अब हम केले को बोल रहे हैं, तेरी गरज हो तो यहां पे जा और भोजन खा, ऐसे ही बोल रहे हैं भाई। ड्रिप अभी तक यहां थी, उसकी जो मूली भोजन देने वाली थी वो ड्रिप पील काटने में तकलीफ देती है, उससे भी हम नीचे कर देते हैं। बेड हमारा ऐसा बना है कि वो खुद फिसल के नीचे आती है, फिर हमारा शुरुआत में जब पैसा लगता है तो बहुत ध्यान देते हैं, जब फल आने वाला है तो अब तो पैसा आने वाला है, अब हमारा ध्यान भी कम होता है है ना। तो अब पौधे को हम क्या बोलते हैं, तेरी गरज हो तो यहां पर मैं खाद पानी दे रहा हूं, तेरे को 4 बार समझ में आ गया खाने, ऐसा होता है, जबकि ये गड़बड़ी है। इसने होना चाहिए जहां पर डेवलपमेंट हुआ है वहीं पर, पूरे 4 से 6 महीने का रूट का डिजाइन जहां पर हुआ है वहीं रहना चाहिए। तो हमारा जो बेड सिंगल बेड है, ये जितने भी टिश्यू कल्चर वाले पौधे बेचने आएंगे वो केवल सिंगल बेड की गाइडलाइन ही देंगे, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। सिंगल बेड बनाया, बंच आते तक आपको वो बेड सपोर्ट करेगा, उसके बाद जब ड्रिप नीचे जाएगी वो आपके हाथ भी नहीं है, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो हो जाता है। पील काटने में जब 2 बार ड्रिप कटी तो आप बोलोगे ड्रिप को नीचे करो रे, पैसे लग रहे हैं, ऐसा होता है, जाइनर में बार बार पैसे लगेंगे। उसमें होगा क्या,
ये जो इसका पूरा डेवलपमेंट हुआ था, बंच आ गया, अब ये आपका अच्छा पक गया, अब आपका ड्रिप नीचे, आप डाल रहे हो 11 मिला सबसे महंगा 52-34 वो इसको लगेगा नहीं, वो जाएगा कड़क जमीन पे नीचे, वो यहाँ कैसे पहुंचेगा? भोजन लेने वाली पौधे से 1.5 फीट के ओरे में है, उसको भी फिसला करके आपने नीचे कर दिया है, यहाँ पर मूली सूख रही है, काली पड़ रही है, वो नई रूट को डिजाइन करके वहां भेजने में मशागत करे या उस बंच को भरने में मशागत करे? अब वो पौधे को डिसीजन लेना है, तो वो क्या डिसीजन लेगा? उसके जितने पत्ते हैं उनको शिंग करेगा अंदर और फल को भरेगा। इसलिए फ्लावरिंग देते समय ज्यादा से ज्यादा पत्ते सूखते हैं, नेचर में है, अपनी पूरी बॉडी को रिवर्स करेगा और वो खुद नए पेशी को बनाएगा। अगर हमने उसको भोजन दिया वहां पर जहां से वो ले रहा है तो कम से कम पत्ते सूखेंगे। अगर हमने सराउंड ग्राफ दिया है, धूप अंदर तक जा रही है, तो कम से कम पत्ते सूखेंगे। एक ये रीजन है आपका 5x5, 5x6 में जल्दी पत्ते सूखने का। अगर 5x7 झिकझेक है तो घुटने तक का पत्ता हरा रहेगा जिस दिन फ्लावर आएगा। मेरे सारे प्लांट जो है 5x7 है झिकझेक में और घुटने से कमर तक के पत्ते हरे हैं और पौधा फ्लावर दे रहा है। तो उस पौधे में जो क्वालिटी आएगी, कीपिंग क्वालिटी, क्योंकि ज्यादा पत्ते हैं, वो पाचन क्रिया ज्यादा कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, तो नीचे से न्यूट्रिशन अपटेक ज्यादा कर रहे हैं, तो उस फल का डंडा हरा पीला रहेगा। आप खेत में जाओ तो देखना, आपके खेत में जो डंडा निकला उसका कलर क्या है? उसका कलर पीला हरा है या हरा पीला है? दोनों में फर्क है बातों में। 5x5, 5x6 पीला हरा डंडा आएगा, मतलब उसको देखोगे ध्यान से ऐसा लगेगा ये बचपना है, बालपन है, वयस्क नहीं हुआ ये डंडा। और जिसके सराउंड पत्ते हैं, ज्यादा पत्ते हैं, उसमें हरा पीला डंडा आएगा, हरियाली छलकेगी, आपको लगेगा कि इसका छिलका मैच्योर्ड है, कड़क है, मतलब उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। वो हरा पीला डंडा जो आएगा उसके केले में लंबा चलने की क्वालिटी। उस्मान भाई आपके यहाँ केला बार बार काटेंगे, ठीक है? तो शुरुआत कहां से? सिंगल बेड बनाना बंद करो। बेड तो बनाना पड़ेगा काली मिट्टी या मध्यम मिट्टी पर, बेड पे ही लगाना है, लेकिन बेड कैसा बनाए? सिंगल बेड नहीं बनाए तो क्या करें? ग्राफ समझ में आ गया? सैकड़ों प्लॉट है मेरे पास, आप ग्राफ देखना चाहो, यहां से चोपड़ा जाओ, महमूद बागवान चौथी कटिंग लेना चालू है, महमूद बागवान व्यापारी है, 3 बार काट चुके हैं, चौथा स्टार्ट हो रहा है, चोपड़ा में है, 5x7 पे रेवा का लगा है, 3 साल हो गए होंगे, 2.5 साल से ऊपर 3 साल हो गए हैं, चौथी कटिंग चालू, और पूरा वो बॉक्स पैकिंग करके उत्तर भारत भेजता है, कोई फर्स्ट है ना कोई दूरी तीरी भी, चौथी अच्छा बनता है अगर हम उसके साइंस को पकड़ेंगे। जब ड्रिप आपकी नीचे आ जाएगी और पौधा फल दे देगा, उस समय ज्यादा दौड़ धूप चलती है खेत के अंदर, पील काटने वाला जाएगा, पत्ते काटने वाला जाएगा, ऊपर से बंच आ रहा है उसको सफाई करने वाला जाएगा। माल जब कटिंग पे आता है तो 1 एकड़ में अगर 25 टन माल निकलता है तो कम से कम 3 से 4 गाड़ी भरता है, 3 गाड़ी तो भरना ही भरना है, 8-8 टन की भी भरी तो 8×2=16, 8×3=24, 3 से 4 गाड़ी भरने में, 1 गाड़ी भरने में 12 से 15 मजदूर आपके खेत में चल फिर करेंगे, और 25 से 50 किलो का खुद वो है और 25 किलो का वजन रख रहा है। अब उसके पैर पे वजन कितना है? 60 से 75 किलो का। नीचे ड्रिप है, बेड के नीचे चलने की जगह कौन सी है? नीचे, जहां पर मॉइस्चर आ रहा है, जहां पर हम खाद डाल रहे हैं, जहां पर जड़ें नहीं है, वहां पर चलने की जगह है। अब वो 25 किलो का बंच और 40 किलो का खुद, ये 65 किलो का वजन उस पर पुश हो रहा है, तो वो जमीन हो जाती कड़क, जो रटून आती नहीं उसका मैं कारण बता रहा हूं, जमीन हो गई कड़क। अब उस कड़क जमीन में हम सोचते हैं कि रटून अच्छा है, तो कड़क जमीन में जड़ जाएगी कैसे? वो ऊपर से जो पानी दे रहा उसको सूंघता है, कोशिश करता है कि मैं बढ़ू, बढ़ता नहीं, और जो मेन पौधा है उसका पानी पी करके जितना बढ़ गया वो बढ़ गया, अंदाज पंचे दामोदर ऐसा ही हो रहा है। जो मेन है उसका पानी पिएगा बच्चा, उससे जो बढ़ गया वो बढ़ गया, हमने खाद दिया कड़क जमीन पे,
वो डबरी दिख रही है, वो लीच हो रहा है, वो ऊपर जितना सूंघ के वो ले लेगा घर से, तो बेड कैसा होना चाहिए? मुद्दे की बात कर रहा हूँ।